भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है। बैंकॉक में खेले जा रहे बैडमिंटन के फेमस टूर्नामेंट थॉमस कप में पहली बार जीत हासिल की है। 73 साल में पहली बार भारत ने यह कप जीता है। भारत ने इंडोनेशियाई टीम को 3-0 से मात दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया ने 14 बार खिताब हासिल किया है। इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम भी इंडोनेशिया ही है। 32 बार यह टूर्नामेंट हुआ है, लेकिन अब तक केवल 5 देश ही विनर बने हैं। इन देशों में इंडोनेशिया के अलावा चीन, मलेशिया, जापान और डेनमार्क शामिल है। अब भारत का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। क्या आपको पता है आखिर थॉमस कप क्या है? अंग्रेजी बैडमिंटन खिलाड़ी सर जॉन एनल थॉमस के मन में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित करने का विचार आया था। वे 1900 के दशक की शुरुआत में एक बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी थे। वे चाहते थे कि वे फुटबॉल वर्ल्ड कप और टेनिस के डेविस कप की तरह ही पुरुषों के लिए बैडमिंटन का कोई बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करें। पहली बार 1948-1949 में अंग्रेजी जमीन पर यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। थॉमस कप पहले 3 सालों में एक बार होता था, अब 2 साल में एक बार होता है। थॉमस कप को पुरुषों का बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी कहा जाता है। इंडोनेशिया ने जीता सबसे ज्यादा बार खिताब। अब तक 32 बार हुए थॉमस कप टूर्नामेंट में केवल 5 देश ही विजेता बनी है। इंडोनेशिया टीम हर बार फाइनल्स में पहुंची है। इंडोनेशिया ने 14 बार यह खिताब अपने नाम किया है। 1982 में यह टूर्नामेंट खेल रही चीन की टीम 10 और मलेशिया ने 5 बार खिताब जीते हैं। जापान और डेनमार्क ने अब तक एक एक बार जीत हासिल की है। इससे पहले तक एशियाई देशों ने ही इस टूर्नामेंट को जीता था। डेनमार्क पहली बार खिताब जीतने वाली पहली गैर एशियाई टीम बनी थी। टीम ने 2016 में इंडोनेशिया को हराया था। भारतीय टीम अब 13 बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुकी है। भारतीय टीम 1979 के बाद से कभी भी सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी है, लेकिन इस बार भारत ने कमाल कर दिखाया। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों? ऐसी और जानकारियों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।